कोरोना काल में जो भी नियमों को ताक पर रखेगा उसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी थाने। दरअसल विवेक ओबेरॉय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। विवेक ओबेरॉय का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है ये प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, और वो अपनी पत्नी के साथ बाइक पर बैठे हुए हैं और उन्हें घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विवेक का ये वीडियो इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि इसमें विवेक बिना हेलमेट और मास्क पहने बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक की इस वीडियो को सामने आते ही सामाजिक कार्यकर्ता मीनू वर्गीस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य पुलिस से यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए ओबेरॉय के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बिना हेलमेट के बाइक चलाने के लिए एक्टर के खिलाफ ई चालान जारी किया। साथ ही साथ सांता क्रूज ट्रैफिक पुलिस विवेक पर जुर्माना लगाती हुई नजर आई। आपको बता दें कि विवेक ने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ फिल्म साथिया वाली स्टाइल में मुंबई की सड़कों पर बाइक राइड करते हुए देखे गए, बाइक का मजा ले रहे थे। साथ ही एक्टर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, मैं मेरी पत्नी और वो के साथ इस प्यारे वैलेंटाइन डे के दिन की शुरुआत। लेकिन उनके इस वीडियो ने ही उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इस वीडियो के बाद ही सामाजिक कार्यकर्ता मीनू वर्गीस ने आपत्ति जताते हुए मुंबई पुलिस को टैग किया और उनके खिलाफ मास्क न पहने और हेलमेट न लगाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। तो ऐसे में मुंबई पुलिस कहां थमने वाली थी। सांता क्रूज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो फिर पता चला कि प्यार उन्हें इसी मोड़ पर ले आया और थाने में आकर बिठा चुका था। अब थाने में बैठकर बहुत ही बुरी हालत में उनकी स्थिति खराब नजर आई और वो लोगों से गुजारिश करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने लोगों से कहा कि आप भी कोरोना काल में मास्क लगाना ना भूलें और पूरी सतर्कता के साथ चलें। बिल्कुल कोरोना का समय है अभी, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में अब भी कहा जा रहा है कि लगाया जाएगा लॉकडाउन, और सुबह में लॉकडाउन तो रहता ही है महाराष्ट्र में। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा कोरोना का, और कोरोना काल में आपकी तबीयत का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। सभी लोग स्वस्थ रहें तभी स्वस्थ भारत का सपना पूरा हो पाएगा। तो विवेक ओबेरॉय ने जिस तरीके से लोगों को बाद में गिरफ्तारी के बाद मैसेज दिया है, अगर उसका पालन वो खुद करते तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। विवेक ओबेरॉय के साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए पूरी सतर्कता बरतें और वाहन पूरी सावधानी के साथ चलाएं, मास्क लगाएं। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।